गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस पीक फायर की। मेरा क्या है ना कि जैसे कवर गेम मेरा बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा, तो मुझे आज उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आपको भी किसी भी चीज़ की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको चाहिए कि उसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि मेरा ये वीक है, इसको मैं कैसे इम्प्रूव करूं। तो उसके लिए, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगा ज़रूर। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे कि आपको किस तरीके किस चीज़ की वो चाहिए। ठीक है, अब जैसे मेरा वीक है तो मुझे एमिंग, जैसे यहाँ पर ना कवर में आप रेड डॉट ले लेता हूँ। रेड डॉट ये मान लो मुझे वहाँ उस तरफ बंदा है, ठीक है, वो स्कूटर एक बंदा है, तो मेरा ये पीक फायर बहुत वीक है। क्यों देख रहे हो कितना वीक है मेरा डायरेक्ट, तो ये मुझे ये इम्प्रूव करना है आज, ये पीक फायर मुझे इम्प्रूव करना है कि ताकि जैसे अगर पीक के मैं एकदम से वो करूँ ट्रेसिंग कर सकूँ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे पहले मैं यहाँ आ जाऊँगा, पहले कुछ ट्रेनिंग हम यहाँ करते हैं। तो अगर आपको भी किसी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, आपको भी किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट के लिए वीडियो चाहिए कि मैं ये अपनी एक, चाहे वो हिप फायर हो, चाहे वो ट्रेसिंग हो, एम ट्रेसिंग हो, चाहे वो आपका लॉन्ग रेंज स्प्रे हो, चाहे वो आपकी स्प्रे रिकॉइल हो, या आपको कुछ भी गेम सेंस के लिए आपको अच्छे से चाहिए कोई भी चीज़ टॉपिक पे, तो आप कमेंट में बता सकते हो कि अगली वीडियो आपको इस चीज़ के ऊपर चाहिए, तो मैं आपके लिए ले जाऊँगा। तो आज मैं अपने लिए प्रैक्टिस करने वाला हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। मैं यहाँ आ जाऊँगा, ठीक है, पूरा कवर चाहिए। ओके दैट्स गुड। सो अब आ जाएंगे यूं यहाँ पे, तो शुरू करते हैं। पहले हमेशा ध्यान रखें कभी भी इसका चिपक के ना खड़े, ठीक है, इसका चिपक के खड़ोगे तो ये होगा कि ये देखो आप इस तरफ को पिक किया नहीं खुलेगा, ठीक है, तो अब यूं करोगे तो यूं भी खुलेगा और यूं भी खुलेगा, इजीली खुलेगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जितना आप अगर एनिमी व्यूज में आपको दिखाऊंगा, बाद में टीडीएम में करके दिखाऊंगा ये चीज़ आपको कि कैसे इसका काम होता है। अब जितना अगर मान लो मुझे उसको मारना है, उस वाले को, ठीक है, तो उस पर जाएगा नहीं जाएगा भी, मान लो उस पर मुझे इस वाले पर एम करना है, ठीक है, तो मैं यूँ पहले, ठीक है, उस वाले पर एम करना है। तो अगर मैं देखूँ तो वहाँ से मैं दिख रहा हूँ, कौन सा वाला है, इस हफ्ते पे करते हैं जो ये मूविंग है वाला, तो ये आ रहा है। तो अगर मुझे एकदम से करना है इस पर, तो मैं यूँ करूँगा, मुझे बेटर प्लेस चाहिए कहीं पे, हाँ यहाँ से आ जाओ, मैं यहाँ से कहीं पे भी करूँगा। तो मुझे पहले ये जितना मैं दूर रखूँगा ना इससे, उतना इजी होगी मुझे मूवमेंट के लिए बाहर निकलने के। अगर मैं यूं चिपकूंगा तो ये देखो आप यहाँ फंस गया मेरा क्रॉसर, फंस गया, चिपक के कभी नहीं खड़े होना अब दूर। और दूसरा एक चिपक के कई बार आप कहीं भी खिड़की पर अगर टिप भी लेते हो ना, तो सामने वाले को आपको आपकी लोकेशन पता लग जाती है, वो कैसे कि आप यूँ खड़े होते हो, ठीक है, और आपके हाथ में गन होती है तो बाहर दूसरी तरफ भी दिख जाती है। अगर यहाँ पर दिखाई देगी तो मैं आपको दिखाऊँगा, दूसरी तरफ को दिख जाती है, छप जाती है गन। तो हमेशा जब भी टीपी भी लेनी है तो पीछे खड़ो अगर आपकी गन हाथ में है, वरना अगर करना है तो यूँ गन को पीछे रख के आप अगर टीपी भी यूँ लोगे, चाहे चिपक के भी लोगे ना, तब भी आपकी वहाँ पे दूसरे वाले को गन नहीं दिखेगी, एनिमी को गन नहीं दिखेगी। और अगर गन हाथ में है आपको एकदम से फायर देना है पिक फायर, तो आप इतना पीछे रहें, ठीक है, और टीपी भी लेनी है तो यूँ लें। और कोशिश करें जब भी, अगर मान लो कई लोग क्या करते हैं, टीपी भी लेते हैं यूँ, इस तरीके से लेते हैं ना टीपी भी, ठीक है, यूँ, और उनका ध्यान ही नहीं होता यहाँ पे भी कोई बंदा आ जाए इस तरफ को, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा टिप, अगर टीपी का रेंज बढ़ानी है, तो आपको हमेशा ध्यान, ये अगर आप पीक करोगे ना, देख रहे हो आप कितना रेंज ऑफ मोशन बढ़ रहा है आपका,
ये एक ओटीपीपी के लिए आपको एडवांटेज है। अच्छा तो ओटीपीपी के लिए मैं किसी और दिन बात करूँगा, अलग से वीडियो बनाऊँगा इस पे भी, बट अभी के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं एम की। चलो लेट्स गो। यहाँ पे प्रैक्टिस की, अब मैं इसको इम्प्रूव करने के लिए जाऊँगा चेयर पार्क। चलते हैं चेयर पार्क की तरफ, चलते हैं वहाँ पे। ऐसा है कि आप